हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव सीन माय प्रीवियस फोर लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन। दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन रिलेटेड टू द डाउट्स एंड डिफिकल्टी रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन। इन फर्स्ट फोर लेक्चर वी कंप्लीटेड होल चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। और उसके बाद वो पढ़ाने के बाद मैंने आपको बताया भी था कि फोर्थ लेक्चर ख़त्म होते होते कि आप इस टॉपिक के एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, आपको अब कुछ दिक्कत आएगा नहीं, ओके। तो बहुत सारे बच्चों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके उसके फ़ोटोज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ बच्चों को बताते हैं और वो अगर वो करते हैं तो, ओके। याद रखना, टीचर बताने का काम करते हैं लेकिन अगर वो स्टूडेंट सुनते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो जाता है और यही इम्प्रूवमेंट उनको आगे अच्छे से स्कोर करने में हेल्प करता है। डे टू डे अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी बीट का, ओके, तो वो बीट आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। याद रखिएगा ये बीट को, आप एक दिन में ही पूरा चैप्टर कर लोगे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। आप हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा करोगे चैप्टर तो बहुत लॉन्ग टाइम आप इस टॉपिक को याद रखोगे। और मेरे कुछ सॉल्यूशन देने से पहले अगर आपने सॉल्यूशन निकाल लिए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है, ओके। बिना कुछ हिंट के अगर आप कुछ करोगे और उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ओके। तो इस कारण जो मैं टास्क बता रहा हूँ, हर लेक्चर ख़त्म होते होते मैं कुछ आपको टास्क देता हूँ, तो उन टास्क को आप कीजिएगा, ओके, ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको इन लेक्चर्स का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छे से मिलने वाला है, ओके। अदरवाइज़ आप मतलब इस टॉपिक को पढ़ोगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ओके। तो जो फोर्थ लेक्चर था वो ख़त्म होते होते मैंने आपको बताया था कि कुछ कोई भी डाउट रहा इस पूरे चैप्टर में तो आप ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने कुछ डाउट्स भी बताए मुझे, सॉल्व तो किया है उन्होंने एक्सरसाइज लेकिन एक आधा क्वेश्चन उन्हें नहीं आया, तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस का डाउट डिफिकल्टी लेक्चर मैं आज यहाँ पर ले रहा हूँ। डाउट डिफिकल्टी का साथ ही हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज को ही रिवाइज करने वाले हैं इसी के साथ, तो इस कारण एक्सरसाइज बहुत बड़ा है। इस कारण इस डाउट डिफिकल्टी के लेक्चर्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। अप टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा फर्स्ट बिट रहेगा और न्यूटन्स लॉ के आगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और फ्री फॉल है, तो उसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस का सेक्शन है उसको मैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो कल हमारा पूरा का पूरा डाउट डिफिकल्टी के साथ लेक्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन, ओके। तो आज के लेक्चर को ज़रूर अच्छे से देखिएगा रिलेटेड टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड केपलर्स लॉ, कुछ डाउट डिफिकल्टी आज हम लेक्चर में लेने वाले हैं, ओके। तो ये इस टॉपिक का टेबल ऑफ कंटेंट है जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। तो आज के लेक्चर में याद रखिएगा हम सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर के बिट तक ही हम न्यूमेरिकल्स और जो डाउट है आपके वो सॉल्व करने वाले, रिमेनिंग डाउट्स एंड डिफिकल्टी हम अगले लेक्चर में लेने वाले और अगले लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले मैंने आपको केपलर्स फर्स्ट लॉ पढ़ाया था, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसके बाद केपलर सेकंड लॉ पढ़ाया था, द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ कहता है हमें द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये तीनों लॉज है, ये बार बार मैं हर एक लेक्चर में रिपीट करता हूँ, आपको आपने एक ऑब्जर्व किया होगा। क्यों करता हूँ ऐसा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है और ये रिवाइज करते करते पूरे के पूरे आपको लर्न हो जाएंगे। इस कारण आपको इस अलग वक्त देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगा, जस्ट आप मेरे लेक्चर में अगर सिर्फ अटेम्प्ट करते हो तो आपको पूरा का पूरा चीज़ अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो इसे ज़रूर लर्न कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बीट्स है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाए, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ाया था, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। तो M1 M2 दो मासेस रहने वाले ऑब्जेक्ट्स है, उन दोनों के बीच डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा उन दोनों के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। सो एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय डी स्क्वायर आएगा, वेर जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। उसका वैल्यू आता है 6.61 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर
और सीजीएस में आता है 6.67 इंटू 10^-8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ऊपर ये महेंद्र और विराट को क्वेश्चन लिया था मैंने, पहले इसका सोल्यूशन बताया था लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ओके, जैसे महेंद्र और विराट दो पर्सन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, एक का मास 75 kg, दूसरे का 80 kg है, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें निकालना है। ठीक है, तो जस्ट गिवन डेटा कलेक्ट किया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को आर से डिनोट किया, आप डी से भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 1 मीटर, M1 मतलब पहले पर्सन का मास 75 kg, दूसरे का 80 kg, और जी का वैल्यू 6.67 × 10^-11। तो बताइए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला यूजिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जी M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू पुट कर दिया 6.67 × 10^-11, M1 M2 का 80 × 75, उसके बाद डिवाइड बाय आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इस कारण डिनोमिनेटर 1 हुआ, 6.67 × 10^-11, तो 80 × 75 6000 होगा। ठीक है, और 6.67 × 10^-11 6000 होगा, इस 6000 को हम 6 × 10^3 लिख सकते हैं। क्या हम इस 6000 को 6 × 1000 ऐसा लिख सकते हैं? 1000 मतलब भी क्या होता है, 10 का क्यूब, तो उसे हम 10^3 लिख सकते हैं। तो 10^+3 और 10^-11 मिलाकर क्या बनेगा, 10^-8, और 6.67 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ तो आंसर आएगा 40.02। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन, और ये पॉइंट को अगर हम शिफ्ट कर दें तो फाइनल आंसर आएगा 4.002 × 10^-7 न्यूटन। तो इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशन आना आपको ज़रूरी है क्योंकि आप 10th लेवल में आ गए हो, मैथमेटिक्स में आपने बहुत बार किए हैं, तो अगर ये आप यहाँ पर करोगे तो ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएगा, याद रखिएगा। अगर ये न्यूमेरिकल किसी पर्सन को हार्ड जा रहा है तो वो यही प्रॉब्लम होगा कि कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता हूँ। ओके, अगर इसमें भी कुछ डाउट डिफिकल्ट रहे तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर कुछ आपको टास्क देने की कोशिश करता हूँ। ओके, जिस कारण आप ये पावर के कैलकुलेशन अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसी के ऊपर मैंने टास्क में क्वेश्चन दिया था जो इससे रिलेटेड था, अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो मेरा एक मतलब कहना था कि आप वो भी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पें, तो वो न्यूमेरिकल ये था। ओके, इस ये भी कुछ बच्चों ने मुझे डाउट बताया कि हमें नहीं आया, तो पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये तो आना ही चाहिए था आपको। ओके, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे फिर से। तो एक मैंने और दूसरा बॉय, दोनों का वेट 1 का 80 kg, दूसरे का 60 kg है, दोनों के बीच डिस्टेंस 2 मीटर है, लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम ये क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर पिछले बार आर का वैल्यू 1 था, यहाँ पर 2 है, M1 का 80 है, M2 का 60 है, जी का वैल्यू एज इट इज़, तो एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो सभी वैल्यूज पुट कर दिए, आर का वैल्यू यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया जाएगा, 6.67। अब 80 × 60 कितना होगा, 4800। ठीक है, और इस 4800 का अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 1200 मतलब 12 × 10^2 आएगा बराबर, और ये 12 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6.67 के साथ तो आंसर आएगा 80.02 × 10^-9 न्यूटन। ओके, तो ये पॉइंट को शिफ्ट कर दे तो फाइनल आंसर आएगा 8.002 × 10^-8 न्यूटन, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो जो स्टूडेंट ने वेरीफाई मतलब सॉल्व किया है वो ज़रूर वेरीफाई कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक टास्क मतलब सॉल्व क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले सॉल्व करके दिया था, तो उसे फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ठीक है, तो लेट कंसिडर करते हैं हम कि पहले कंडीशन में मतलब प्रीवियस कंडीशन क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट का मास M1 होगा, दूसरे का M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d होगा और उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स F होगा। तो हम इसे पुट कर सकते हैं F = g M1 M2 / d2। तो ये हमारा रेफरेंस कंडीशन है। अब इस रेफरेंस कंडीशन में वो केस वन में क्या चेंज कर रहे हैं, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, कोई भी लो M1 ले सकते हो या फिर आप M2 ले सकते हो, दोनों में से एक मास को डबल कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा वो हमें निकाल के बताना है। मतलब ये क्वेश्चन में हमें जो न्यू फोर्स आएगा मास डबल करने के बाद उसका रिलेशन पुराने वाले फोर्स के साथ क्या होगा ये हमें निकालना है। ओके, तो देखो जो न्यू मास रहेगा उसे हम M- से डिनोट करते हैं और वो प्रीवियस मास के 2 टाइम्स है, उन्होंने पहले ही बताया 1 मास इज डबल। ओके, तो अब ये कंडीशन लेते वक्त सिर्फ हमें मास को ही डबल करना है, ये दूसरी कंडीशन में आर चेंज करने के लिए कहा है उसका और पहले कंडीशन का कुछ भी रिलेशन नहीं है, याद रखना। तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, इस कारण हम जो पहला वाला मास है उसे हम M- से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू आप कितना आएगा 2M1। तो अगर मास का वैल्यू चेंज हुआ तो
तो डेफिनेटली ग्रेविटेशन फोर्स उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एफ का वैल्यू भी चेंज होगा। ओके अगर मास का वैल्यू m1 रहता है तो एट द टाइम फोर्स एफ है, लेकिन मास का वैल्यू अगर m डैश हो जाए तो फोर्स का वैल्यू भी एफ डैश होना पड़ेगा। ओके चेंज होगा फोर्स मास के साथ, तो इस कारण हम ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला एफ डैश इज इक्वल टू जी एम डैश एम टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर ले रहे हैं। अब ये एम डैश का वैल्यू पुट कर देते हैं हम 2m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, तो ये 2 को हम बाहर निकालते हैं ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा टर्म बचेगा। ये पूरा टर्म जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर मतलब ही क्या है, हमारा प्रीवियस फोर्स है अब, तो उसे पुट कर दिया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यू फोर्स एफ डैश एंड प्रीवियस फोर्स एफ, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, मतलब जो न्यू फोर्स होगा मास कोई भी एक डबल करने के बाद, तो जो न्यू फोर्स होगा ग्रेविटेशन का वो डबल होगा प्रीवियस फोर्स के साथ। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। इसके बाद नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डबल किया तो अब ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम वन एम टू डिवाइड बाई डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई टू डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई फोर डी स्क्वायर। ओके क्योंकि 2d का होल स्क्वायर था, ओके डी डैश का वैल्यू, तो इस 4d स्क्वायर को 1/4 को हम बाहर निकालते हैं और बाकी सब टर्म एज इट इज रखते हैं अंदर। ये जी एम वन एम टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर मतलब भी क्या है, हमारा ग्रेविटेशन फोर्स एफ, तो इसे एफ से रिप्लेस करो तो आंसर आ जाएगा एफ बाय फोर। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर डबल कर दें तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स प्रीवियस वैल्यू के 1/4 होगा। ओके तो याद रखिएगा, मास को डबल किया तो फोर्स डबल होता है, लेकिन डिस्टेंस को डबल किया दो ऑब्जेक्ट के बीच का तो जो फोर्स है ग्रेविटेशन वो 1/4 होता है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के साथ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ओके याद आ रहा है, उस वजह से ऐसा होता है। तो जिन स्टूडेंट को प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया उनके लिए मैंने ये टास्क में क्वेश्चन दिया था, याद है आपको, तो ये क्वेश्चन में भी किसी कोई स्टूडेंट को डाउट आ गया था, तो इसी कारण मैं ले रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कभी आएगा ही नहीं। न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज़ है जो खुद ट्राई करने वाली चीज़ है, आप जितना खुद ट्राई करोगे उतने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल के आंसर अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करना मत भूलिएगा। विदाउट अगर आप कुछ कोशिश किए बिना या बोलोगे कि मुझे नहीं आ रहा है तो वो वैसा नहीं चलेगा। ओके पहला वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया था आपको तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए था। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया, बोथ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट डबल, पिछली बार एक मास को डबल किया था, इस बार दोनों मास को डबल करना है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड, पिछली बार डबल किया था यहाँ पर ट्रिपल किया, तो जस्ट स्मॉल चेंजेस थे, तो उतने तो आपको कैप्चर करते आने चाहिए अब, क्योंकि आप 10th लेवल में आ गए हो अब। ओके तो पहले केस में बहुत मास डबल किया, तो पहले मास को हम स्मॉल m1 स्मॉल m2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, या फिजिकल टू क्या होगा जी एम वन एम टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर, जो पिछले वाला हमारा फॉर्मूला था, ये जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर मतलब यफ होगा हमारा प्रीवियस फोर्स। ठीक है, अब देखो जो न्यू मास आएगा वही एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू, अब दोनों मास डबल करना है यहाँ पर, तो एम वन भी डबल होगा तो ट्वाइस ऑफ एम वन, एम टू भी डबल होगा तो ट्वाइस एम टू, यहाँ पर एम टू कीजिएगा। ठीक है, तो एम टू इज इक्वल टू ट्वाइस एम टू, तो न्यू फोर्स जो आएगा एफ डैश वो क्या होगा जी इंटू कैपिटल एम वन कैपिटल एम टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर। कैपिटल एम वन का वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ एम वन, और कैपिटल एम टू का वैल्यू ट्वाइस ऑफ एम टू। ओके तो 2 2 4 हो जाएगा, और उसे ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर, तो ये जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर मतलब भी हमारा प्रीवियस फोर्स एफ है, पिछली बार की प्रॉब्लम की तरह करें हम, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 4f, लाइक दैट। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल, सॉरी ट्रिपल किया हमने, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, आप यहाँ पर जरूर कट कीजिएगा, ट्रिपल कीजिएगा, तो डिस्टेंस ट्रिपल किया तो डी डैश इक्वल टू 3d आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, जी इंटू एम वन एम टू डिवाइड बाई डी डैश स्क्वायर, तो डी डैश का वैल्यू 3d, 3d का स्क्वायर 90 स्क्वायर, 9 को 1/9 को कॉमन आउट किया तो फाइनल आंसर आ गया एफ बाई नाइन। सो एफ डैश इज इक्वल टू मिलेगा हमें एफ बाई नाइन, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें बुक में एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा हार्ड है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ठीक है, द मास ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻²⁴ kg एंड 7.4 × 10⁻²⁰ kg रिस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। तो सोचिएगा, हम घर बैठे बैठे मून और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशन फोर्स को निकाल रहे, तो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे इंटरेस्टिंग वाइज ले लो आप, वरना आप देखोगे इतने बड़े बड़े वैल्यूज है, कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, उसके बारे में मत देखो आप। आप इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखो कि हम यहाँ पर बैठकर ग्रेविटेशन फोर्स निकाल रहे हैं मून और अर्थ के बीच का, तो देखो आप
सभी गिवन डेटा को हम लिख लेते हैं जो दिए है। मास ऑफ अर्थ को एम से डिनोट करते हैं हम 6 × 10⁻², मास ऑफ मून को 7.4 × 10⁻²² kg जो दिया है वो लिख रहे हैं हम, बाकी कुछ भी नहीं। और जी का वैल्यू तो पता है आपको, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आर का वैल्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, किलोमीटर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। हमें डिस्टेंस निकालते वक्त, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करते वक्त डिस्टेंस मीटर में चाहिए होता है, यहाँ पर किलोमीटर में दिया है, तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10³ मीटर होता है, पता ही होगा आपको। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 को हम 10³ से डिनोट करते हैं, इस कारण मैंने रिप्लेस किया के को 10³ से, ठीक है। तो वो 3 और ये 5 मिलकर क्या बन गया, 8। तो डिस्टेंस हमें कितना पुट करना पड़ेगा अब इस प्रॉब्लम में, 3.84 × 10⁸ मीटर, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम है ना, अगर हम बहुत एग्जैक्ट और परफेक्ट कैलकुलेशन से करेंगे तो बहुत वर्क लगेगा और बहुत हार्ड कैलकुलेशन है। इसे करने के लिए कुछ ट्रिक यूज़ करना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये प्रॉब्लम लिया है। कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है हमें छोटे छोटे, ठीक है, और उन्हें को लेकर हम बहुत एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। जो बुक में दिया है वही आंसर मेरा आएगा, लेकिन मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेने वाला हूँ सिंपल करने के लिए, ठीक है। तो कहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ वो अच्छे से समझना, फिर आप पूछोगे कि अप्रोक्सीमेशन लिया तो आंसर चेंज हो जाएगा ओरिजिनल आंसर से, तो होने दो, हमें बुक में वही आंसर मिलेगा जो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ओके। तो बुक का आंसर मैच हुआ तो हमें और क्या चाहिए, ओके। और आपके लेवल में थोड़े फार अप्रोक्सीमेशन चलते हैं, इतना परफेक्ट आंसर आपसे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप 10th लेवल में हो। ऐसे कैलकुलेशन 11वीं 12वीं में आते हैं जहाँ पर उनको लॉग टेबल दिए जाते हैं, उस वजह से वो परफेक्ट आंसर निकालते हैं, हमारे पास वो नहीं होता है, इस कारण हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम 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 अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन फार्मूला यूज़ किया, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, तो इस वजह से अर्थ का मास लेना पड़ेगा एम ई और मून का मास एम एम और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, ठीक है। तो जी का वैल्यू पुट कर दिया 6.67 × 10⁻¹1, एम ई का वैल्यू 6 × 10⁴, एम एम का वैल्यू 7.4 × 10⁰² और 3.84 × 10⁸ जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का उसका स्क्वायर। अब देखो ये फ्रैक्शन हमेशा याद रखना, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ गया तो ये मल्टीप्लिकेशन में आता है 6.67 और 6 के साथ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा लर्न करके रखना। 40.02, 6.67 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे सिंपल वैल्यू मिलता है, 40.02 है, तो क्या हम इसे 40 ले सकते हैं? लिखते वक्त 40 लिखना, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त इसे 40 लेना, तो इससे बहुत मिनिमम एफर्ट में आंसर निकल जाता है। अब सामने वाले को कैसे पता होगा कि इसने 0.2 लिया है या फिर 0.0 लिया है, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ही माइनर चेंजेस आ जाते हैं। तो हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, सामने वाले को पता मत चलने दो, लिखो यहाँ पर 40.02, लेकिन कैलकुलेट करते समय अगले स्टेप में इसे 40 लेना, ठीक है। तो ये 40 आ गया, 10⁻¹ एज इट इज़, 10⁻²² भी एज इट इज़, 7.4, 10⁻²² भी एज इट इज़। अब देखो 10⁻¹, 10⁻²² क्या होगा इसका आंसर, 10⁻³, 10⁻³, 13+22 कितना होगा, 10⁻³, ओके। तो ये आ गया ऊपर का पावर 10⁻³, नीचे का पावर आएगा 10⁻⁶, क्योंकि अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अब इसका स्क्वायर करते आना चाहिए आपको 3.84 का, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 14.74, कुछ तो भी एक नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन, इसका सिर्फ इसके दो वैल्यूज लेना फ्रैक्शन के, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं इसे, पॉइंट के बाद सिर्फ दो डिजिट तक जाना, उतना ही हमारे सिलेबस का पार्ट होता है, ठीक है। और 10⁻⁶ आ जाएगा क्योंकि 10⁻⁸ का स्क्वायर मतलब पावर का पावर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करता है, तो 8 × 16 हो जाएगा, 64 नहीं करना है, यहाँ पर गलत हो जाएगा वरना। तो ये 10⁻⁶ ऊपर जाकर 35 में से माइनस होगा क्योंकि इंडेक्स का रूल होता है, नीचे का इंडेक्स ऊपर जाए तो वो माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁹ आ जाएगा। अब देखो 40.02 को 40 ले लो, 40 को मल्टीप्लाई करो 7.4 के साथ, आंसर आएगा 296, तो 296 डिवाइड बाय 14.75, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 20.02। तो क्या हम इस 0.2 को निकाल सकते हैं, तो जस्ट 20 ले लो आप, ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना इस आंसर को, तो आंसर आ जाएगा 20 × 10⁻¹, ठीक है। तो इस जीरो का अगर हम पॉइंट अगर जीरो के बाद है तो उसे अगर जीरो से पहले डाल देते हैं तो आंसर आएगा 2 × 10⁻²⁰ न्यूटन। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा सर हम इसे ऐसे रखेंगे तो चलेगा, चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ये लिखो आंसर या फिर ये लिखो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, दोनों भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो समझ में आ गया कहाँ पर कैसे कैसे अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁴ kg, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 × 10⁻¹ मीटर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 × 10⁻²⁰ न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ सन।
तो मास ऑफ सन निकलना है हमें। सोचो आप, सिर्फ हम सन को हर दिन देखते हैं, वो कितना दूर है ये भी हमें पता नहीं, उसका मास निकल रहे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखिएगा आप इसे। तो मास ऑफ अर्थ दिया है, वो लिखा एम ई से डिनोट किया, मास ऑफ सन निकलना है, एम एस इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स ऑलरेडी दिया अभी इस प्रॉब्लम में, ठीक है। और उसे न्यूटन से डिनोट करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 × 10^11 मीटर, ठीक है। और ये याद रखना, ऐसे देने बोल के वैल्यू दिया ऐसा नहीं है, रियल में ये वैल्यूज़ है, ओके। तो जो फोर्स मिलेगा हमें, वो जो मास मिलेगा सन का, वो रियल मास होगा, ओके। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम फॉर द अर्थ एंड सन। तो जी एम ई एम एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सो एम एस का वैल्यू मिलेगा मास ऑफ सन, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई, ओके। तो एम एस का वैल्यू निकालने के लिए आप सभी वैल्यूज पुट करो, एफ का वैल्यू 3.5 × 10^22 इंटू आर स्क्वायर, तो 1.5 × 10^11 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6.67 है। अब आप 6.7 लेने के लिए कहा है उन्होंने, लेकिन लेना 6.67 ही, ठीक है, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करेंगे तो आंसर 40.02 आएगा। कुछ भी लिखो, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6.67 का 6 के साथ आंसर 40.02 ही लिखना, ओके। तो 3.5 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब ये 1.5 का स्क्वायर कर दिया, 2.25 आ गया, 15 का स्क्वायर 225, लाइक दैट 1.5 का स्क्वायर 2.25, 10^11 का स्क्वायर क्या आएगा आप 10^22, ओके। उसके बाद 6.67 इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अगले स्टेप में किया है वो। अब ये -11 + 24 कितना होगा 13, और ये 22 + 22 = 44, तो ऊपर 44 आएगा, नीचे 13 आएगा। अब ये 13 ऊपर गया तो 10^31 ऐसे कुछ बचेगा, और ऊपर क्या आएगा देखो, फ्रैक्शन 7.875, क्यों, 3.5 को हम मल्टीप्लाई करें 2.25 के साथ, याद रखना इसे, मतलब करके देखना पड़ेगा आपको ये बाय यूजिंग कुछ रफ में कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर मिल जाएगा आपको। और 6.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आंसर मिलेगा 40.02। तो अब 7.875 नीचे 40.02 है, तो अब नीचे 40 कंसिडर करो आप, तो अब सिंपल होगा, अब नीचे का वैल्यू 40 है, ऊपर का वैल्यू 7.875, तो ऊपर के वैल्यू को हम बड़ा करते हैं, इस कारण आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो तो इस स्टेप में भी फाइनल आंसर ला सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे न्यूमरेटर को बड़ा करना है डिनोमेटर से, तो इसलिए मैं ये पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ आगे। ये 10^31 है, ओके, तो उसका एक जीरो में यूज़ करता हूँ और उसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन के साथ, तो वो 78 बन जाएगा। तो 78 क्या है इसे, 78.75, तो पावर आ गया 31 का 30, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड कर दो तो आंसर मिलेगा हमें 1.96 × 10^30, सो दिस इज द मास ऑफ द सन, ओके। तो ये रियल वैल्यूज़ है जो हमें बुक में दिया है, एग्जैक्टली आंसर मेरा मैच कर रहा है बुक के साथ, ओके। तो जो जो अप्रोक्सीमेशन मैं ले रहा हूँ वो लेना और इसी वे से सॉल्व करना, इसे एक दो बार लिख लेना, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सबसे टफ क्वेश्चन है हमारे बुक के, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। जब मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कहा तो मुझे ज़रूर पता था कि बच्चों को इसमें दिक्कत आएगा, इस कारण मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, इसके बाद ये पूरा सेक्शन खत्म हो गया। लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्टार इज कैपिटल टी, प्रूव दैट इफ इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर फ्रॉम द स्टार इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी √8t, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लो, ये केपलर्स लॉ पर दिया हुआ क्वेश्चन है कि जब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्लैनेट का टी है तो एट द टाइम डिस्टेंस उसका आर है। अब डिस्टेंस को 2 आर किया है तो एट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन √8t आएगा, ये हमें प्रूव करके बताना है उनको। देखो आप, पहले प्लैनेट निकालते हैं हम जिसका रेडियस आर होगा और जिसका टाइम पीरियड टी होगा, ठीक है। तो केपलर्स लॉ यूज़ किया तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ओके। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, के आर क्यूब, गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, अब हम दूसरे केस में केपलर्स लॉ लगाते हैं। अब दूसरे केस में क्या होगा, डिस्टेंस 2 आर हो गया तो क्या टाइम टी ही रहेगा, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस आर था तब टाइम टी था। अब डिस्टेंस अगर 2 आर हो गया तो टाइम एट द टाइम टी डैश आएगा, यहाँ पर टी डैश दिया है, ओके, वो दिखते वक्त ब्लर दिख रहा है, तो ये टी डैश है, ठीक है। तो न्यू टाइम टी डैश होगा क्योंकि डिस्टेंस 2 आर हुआ है, तो जो न्यू टाइम टी डैश रहेगा उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2 आर क्यूब के साथ, जैसे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर क्यूब के साथ, लाइक दैट। अब यहाँ पर डिस्टेंस 2 आर है, इस कारण टी डैश का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2 आर क्यूब के साथ। सो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू 2 आर होल क्यूब, ओके। तो 2 आर का होल क्यूब क्या आएगा, 8 × r³। तो क्या इस 8 × r³ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × kr³, ओके। तो अब देखो, के इंटू आर क्यूब की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, के इंटू आर क्यूब की जगह टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं हम, तो वही मैंने किया है, के इंटू आर क्यूब की जगह टी स्क्वायर पुट कर दिया।
तो टी डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू जो न्यू टाइम पीरियड रहेगा इस केस का वो 8 टाइम्स रहेगा प्रीवियस टाइम के स्क्वायर के साथ। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते तो टी डैश का वैल्यू मिल गया हमें रूट 80। तो यही वैल्यू हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमारे पूरे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं रिलेटेड टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड केपलर्स लॉ। इतने क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इतना करो तो मोर देन इनफ है। कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो इसके आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब अगले लेक्चर से पहले आप मुझे जो भी डाउट्स है आपको रिमेनिंग सेक्शन जो बताया था मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास वेट और फ्री फॉल, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको दिक्कत आ रहा है मुझे आप व्हाट्सएप कर दो, मैं अगले लेक्चर में उसे ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। अगर इसमें भी कुछ दिक्कत रहा अभी तक के सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा। अगला लेक्चर हमारा फुल एंड फाइनल लेक्चर रहेगा, इसके बाद फिर कोई भी डाउट पूछिएगा मत। ओके, अगर आपको डाउट का आंसर चाहिए तो जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके ओके, सो थैंक यू। टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट।